आज बहुत इंटरेस्टिंग विषय है द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द मुंबई फिल्म इंडस्ट्री. आई थिंक ऐसे विषयों पर चर्चा करने से ना सिर्फ अच्छी बातें उभर के आती हैं बट आई थिंक जो सोच में बदलाव आ रहा है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है. पिछले 6-7 सालों में बहुत चेंजेस आई हैं और आ सकती हैं. आई थिंक टू डिस्कस वॉट दोज चेंजेस हैव बिन विल ओनली लीड टू मोर पॉजिटिव चेंजेस. इस तरह के प्रोजेक्ट में पार्ट लेके हम प्रिविलेज फील करते हैं आप या लोग जो ढेर सारे स्टूडेंट आए हैं स्टूडेंट्स को किस तरह के टिप्स. आई थिंक इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट इज़ अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी नॉट जस्ट फॉर फिल्म एंथुजियास्ट्स बट फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी हु बिलीव्स इन कॉन्टेंट क्रिएशन एंड द पावर ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन. आज के दौर में कर्टसी द इंटरनेट और कनेक्टिविटी मोबाइल फ़ोन्स पे सबके हाथ में दैट पावर ऑफ कनेक्शन पहुँच चुका है. तो आप कैसे उसका उपयोग करेंगे उसके साथ क्या कुछ कर सकते हैं कितना बदलाव लेकर आ सकते हैं ये सब बातें हम डिस्कस करते हैं. ये 7वां साल है इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट का और मैं बहुत खुश हूँ कि बतौर अभिनेत्री नहीं आई एम हियर एज अ फिल्म प्रोड्यूसर एंड एज एन इंडिविजुअल हु रिप्रेजेंट्स माई इंडस्ट्री एंड आई एम रियली प्राउड टू बी शेयरिंग द प्लेटफॉर्म विद द वंडरफुल फिल्म मेकर लाइक शशांक खेतान एंड माई ब्यूटिफुल कॉलीग नेहा धूपिया. कुछ टिप्स देने वाली है स्टूडेंट को जिन्हें एक्टिंग में जाना है जिन्हें डायरेक्शन में आना है या आई थिंक आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करें और उसमें से अगर उन्हें कुछ सीख मिल जाती है तो ग्रेट बट आई थिंक द एफर्ट विल बी रियली टू कीप इट अ फ्री व्हीलिंग कॉन्वर्जेशन वेयर दे गेट टू जस्ट गेट इनसाइट इनटू व्हाई वी मेक द चॉइसेस दैट वी डू हाउ वी आर ब्रेकिंग द मोल्ड. क्योंकि अगर आप शशांक की बात कहें या नेहा की या मेरी आई थिंक एज इंडिविजुअल्स व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ ब्रेक द मोल्ड डू थिंग्स दैट रिफ्लेक्ट our choices, our individual choices. जैसे कि मैंने 26 साल की उम्र में फिल्म प्रोडक्शन शुरू कर दिया था. It was unheard of at that young age for actresses to turn to production. Neha is now doing her amazing work through her talk show which is for airwaves. So it's a totally new identity, a new aspect about her that she's bringing forward to the audiences. Shashank of course has made an amazing film in Humpty Sharma Ki Dulhania but and he chose a subject that was entertaining, that was mainstream but had such wonderful messages to convey. So I think it's a combination of three people who are who have choices, who like to make them and will be expressing them. एक आखिरी सवाल कि आपके अनुसार अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा बॉलीवुड भी बहुत ही फास्ट हो रहा है हम जनरेशन बहुत ही फास्ट क्योंकि क्या चेंजेस होने चाहिए बॉलीवुड या हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आपके अनुसार क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट हैं अगर आपके अनुसार. आई थिंक सबसे बड़े चेंज की ज़रूरत ये है कि हम ये समझ लें कि लोग जो ऑडियंसेस हैं वो कॉन्टेंट ड्रिवन सिनेमा की तरफ अपना आकर्षित हो रहे हैं. दे मोर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग थिंग्स दैट हैव अ मैसेज हैव समथिंग मीनिंगफुल टू कन्वे एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टू जस्ट पुट प्रोजेक्ट्स टुगेदर एंड मेक फिल्म्स दैट डोंट हैव समथिंग स्पेशल टू से. सो इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट थैंक यू. मैं आपका रोल ओके नेहा जी सबसे पहले तो वेरी वेरी हैप्पी दशहरा. थैंक यू आपको भी एंड फिल्म प्रोजेक्ट के मौके पर हम सभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं कुछ
कन्वर्सेशन भी होने वाला है, आप बताइए कि आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, क्या फील करते हैं और क्या करना चाहिए? No, it's very interesting. I think मैं बहुत कम पैनल डिस्कशंस में आती हूँ बिकॉज आई ऑलवेज फील दैट आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड अ वेरी ऑनेस्ट वन. सो यू नो द होल पॉइंट इज दैट वेन यू हैव प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, नॉट ओनली बिकॉज यू वॉन्ट एक्सप्रेस वट यू फील, बट यू ऑल्सो वॉन्ट गिव एन इनसाइडर डिटेल ऑन वॉट वी एज पीपल हु आर सिनेमा गोअर्स एंड पीपल हु आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग, वट वी फील अबाउट वॉट्स हैपनिंग इनसाइड. So I'm feeling good. I'm feeling that it's essential we share our point of views, and I'm excited to share the panel with Shashank and Dia. So it's going to be a great morning, and the sharer always gets rid of all evils, so we will only speak the truth today. Bollywood change ke kuch topics pe baat karenge ji, to kuch tips bhi dene wale hain students ko ya conversation ke dauran. I don't think that I jo main aaj kahungi shayad by the time these students end up making films, the face of cinema is going to change again. I think the only thing growing faster than kids in this country is the change in cinema, so I really don't know how much of advice I can give, but I can definitely tell them what I have seen, because maybe it's a blessing in a certain way that, and I feel in a most definitive way that I've been in cinema for so many years that I see a whole change, and then we can talk about that. So let's see what comes out of it. Mujhe abhi malum nahi ki kya sawal honge, mujhe malum nahi ki kis tarah wo panel discussion jayegi. But मुझे ये ज़रूर मालूम है that we'll try and make it as interesting as possible. हमने देखा कि आपके शो ने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, क्योंकि जिस तरह से एयर शो है, तो आपके अनुसार फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए? आई थिंक वी ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड दैट the audience is the most important part of cinema or anything when you do, when it comes to entertainment. So an understanding of the audience is the most important thing, and apart from that, definitely being true to your craft. Go ahead, make the movies, tell the stories you really want to tell. Somebody is going to like it, somewhere it's going to make a difference. If nothing else, there'll be a small dent in the universe, and guess what, it's still better than not leaving an impact. Thank you. अरे बहुत मज़ा आया. एक तो इतना सारा enthusiasm यहाँ पर देख कर, यहाँ पर आकर, एक तो it's organized beautifully, and to see so many people turn up so early in the morning, to see the auditorium full of young students and filmmakers and writers, I think it's very exciting. जी, जो हमने सीखा है वही बता दिया लोगों को. मतलब सागर ने बताया कि डायरेक्टर को कैसे पिच करते हैं, जो चित्रा हैं उन्होंने बताया प्रोड्यूसर को कैसे पिच करते हैं, मैंने बताया कि जो एक्टर हूँ मैं क्या देखता हूँ एक स्क्रिप्ट के अंदर. तो जो भी हमारा एक्सपीरियंस है इतने सालों से इंडस्ट्री में, वो लोगों को बताया, क्योंकि मुझे लगता है पिचिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है. आप अच्छा आइडिया तो सोच लेते हैं, लेकिन फिर आपको एक कंप्लीट स्ट्रेंजर को कन्विंस करना पड़ता है कि आइडिया अच्छा क्यों है, और वो ना सिर्फ इस पर निर्भर होता है कि आइडिया क्या है, वो इस पर भी निर्भर होता है कि आप क्या कैसे हैं. क्योंकि कभी कभार हम सिर्फ आइडिया को आइडिया में इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन आदमी में भी औरत में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है. कुछ एग्जीबिशन भी करने वाले आप? एग्जीबिशन नहीं, मेरा एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है कैटो, और वो अभी एशिया का सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, और उसके ऊपर हम पिछले 6 सालों में अब 110 करोड़ रेज कर चुके हैं सोशल और क्रिएटिव कॉजेज के लिए. तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ फिल्म मेकर्स के, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म को राइटिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए, पिक्चरें प्रोड्यूस करने के लिए. तो ये एक डिफरेंट लुक है, तो हम ऐसा माने कि ये किसी फिल्मों का है या आज जैसे? नहीं, ये भाई या बस हमारा ही है. सीखे भी जा रहे हैं, क्योंकि अब जैसा मैंने कहा, सागर बेलरी भी थे और चित्रा भी थी जो प्रोड्यूसर हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर बहुत अच्छा लगा. और मैं खुद कुछ स्क्रिप्टें लिख रहा हूँ, को डेवलप कर रहा हूँ, तो ये देखना कि एक डायरेक्टर कैसा सोचता है पिच के बारे में, या एक प्रोड्यूसर कैसे सोचती हैं पिच के बारे में, वो बहुत ज़रूरी है. थैंक यू सो मच. इधर